तो देख सकते हैं यार आप लोग दोस्तों, ये है गंगरेल बांध का जो है विकराल रूप। भाई साहब बहुत ही ज़्यादा यार खूबसूरत लग रहा है ये नज़ारा। तो देख सकते हैं यार, जब आप गंगरेल आएंगे घूमने के लिए तो आप लोगों को डैम को नज़ारे के साथ साथ काफ़ी सारे और भी ज़्यादा नज़ारे देखने को मिलेंगे, जो कि है दोस्तों मिनी गोवा के। तो जय हिंद यार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी इस नए वीडियो पर। और दोस्तों अभी हूं मैं पंडित रविशंकर जलाशय यानी कि गंगरेल डैम, और आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं दोस्तों गंगरेल बांध का जो कितना रौद्र स्वरूप हो चुका है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को गंगरेल बांध का जो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स बनाए गए हैं वहाँ आप लोगों को ले जाकर गंगरेल डैम का जो व्यू है वो आप लोगों को दिखलाने वाला हूँ। और इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं जो 14 गेट है जो खुलता है उसका दृश्य दिखाया था, लेकिन अभी जो गेट है दोस्तों और भी ज़्यादा बड़ा हो चुका है और भी ज़्यादा रौद्र रूप से खुल चुका है। और आप देख सकते हो यार कितना ज़्यादा यहाँ पे पानी हो गया है और बारिश भी कंटिन्यू हो रहा है। तो चलिए दोस्तों बैक कैमरे से इंजॉय कीजिए गंगरेल डैम के व्यू को। तो देख सकते हो यार जहाँ जहाँ तक नजर जा रही दोस्तों सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। और ये आप देख सकते हो पूरा 14 का 14 गेट आज खुल चुका है, और जो भी पानी है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा छोड़ा गया है। आप लोग देख सकते हो नीचे यहाँ पे जो गंगरेल के कैचमेंट एरिया है दोस्तों वहाँ पानी लगातार गिर रहा है, इस वजह से डैम का गेट को खोलना पड़ा है। और अभी भी मैं दोस्तों जिस वक्त वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर बारिश हो ही रही है, पूरा रेनकोट वगैरह ले कर ही बना रहे हम लोग। तो देख सकते हो यार इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है भाई। तो अभी आप लोग देख सकते हो दोस्तों मैं आप लोगों को लेके आ चुका हूँ गंगरेल डैम के और नज़दीक, और देख सकते हो यार यहाँ से कितना ज़्यादा भयानक लग रहा है और खूबसूरत भी। काफ़ी ज़्यादा पानी यहाँ पे एक साथ छोड़ा जा रहा है, जिस वजह से आप देख सकते हो पूरा पानी ही पानी हो चुका है जगह। तो देख सकते हो दोस्तों कितना ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे मौसम हो रखा है, और बारिश जो है दोस्तों कंटिन्यू हो रहा है आज सुबह से ही, बल्कि इन सब कल रात से यहाँ पे कंटिन्यू बारिश चल रहा है, और जिसके वजह से मैं यहाँ पे रेनकोट पहन के शूट करने के लिए आया हूँ। और देख सकते हो यार आप लोग इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम लोग दूसरे व्यू पॉइंट की ओर। ये पहला व्यू पॉइंट था जहाँ से आप लोगों ने अभी व्यू देखा, और यहाँ से जो व्यू है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन आता है। तो देख सकते हो आप लोग, चलिए चलते हैं दूसरे व्यू पॉइंट की ओर। तो अभी मैं आप लोगों को लेके आ चुका हूँ दोस्तों एक अलग ही अनडिस्कवर्ड व्यू पॉइंट पर, जहाँ से आप देख सकते हो यार ये डैम का पानी इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, और पूरे छल 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 की आवाज़ के साथ बह रहा है आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और ये व्यू पॉइंट है दोस्तों ये अनडिस्कवर्ड है, क्योंकि ये धमतरी से गंगरेल डैम के जो जाते हैं रास्ता उसके बीच में है। तो चलिए आप लोगों को मैं यहाँ का नज़ारा दिखलाता हूँ। तो देख सकते हो यार आप लोग दोस्तों, ये है गंगरेल बांध का जो है विकराल रूप। पानी कितना ज़्यादा तेज बह रहा है, और शायद आप लोगों को यहाँ दूर डैम दिखलाई ज़रूर दे रहा होगा, लेकिन डैम से छूटने के बाद देख सकते हो पानी, भाई साहब बहुत ही ज़्यादा यार खूबसूरत लग रहा है ये नज़ारा। और जो पानी है दोस्तों आप लोगों को ये पेड़ पौधा दिखाई दे रहा होगा उसके उस पार भी है, क्योंकि वहाँ से आप देख सकते हैं पानी वहाँ से छूटा है, लेकिन पानी आधा इधर बढ़ गया है और आधा उधर बढ़ गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बहाव है वो इतना ज़्यादा तेज है यार। तो ये है दोस्तों नेचुरल ब्यूटी गंगरेल डैम का, और देख सकते हो दोस्तों ये पानी आगे जाके रुद्री बैराज पे जाके जमा होगा, और वहाँ से महानदी और मुख्य नहर में छोड़ा जाएगा। देख सकते हो यार कितना ज़्यादा विकराल लग रहा है भाई, ये आप देखिए यार।
तो देख सकते हो यार कितना ज़्यादा विकराल रूप ले चुका है गंगरेल डैम। तो बस यार दोस्तों ये वाला व्यू पॉइंट का नज़ारा इतना ही, अब चलते हैं इसके अगले वाले व्यू पॉइंट पर और वहाँ से देखते हैं कुछ और अद्भुत नज़ारे। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ अपने चौथे व्यू पॉइंट पर और आप लोग देख सकते हो यहाँ से व्यू, ये जो रास्ता है थोड़ा सा ख़राब है लेकिन आगे आप लोगों को जो व्यू देखने को मिलेगा वो बहुत शानदार होगा। यहाँ दूर से आप लोगों को गंगरेल डैम का पानी तो दिखाई दे ही रहा होगा दोस्तों, और आप लोगों ने सुना होगा कि गंगरेल डैम में मिनी गोवा है, तो दोस्तों ये मिनी गोवा ही आगे है आप लोग देख सकते हो। तो जो चौथा व्यू है दोस्तों मैं आप लोगों को दिखलाने वाला हूँ मिनी गोवा से। तो देख सकते हो दोस्तों कितना ज़्यादा खूबसूरत व्यू आ रहा है यहाँ से मिनी गोवा से गंगरेल डैम का। जहाँ जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं दोस्तों काफ़ी पानी ही पानी नज़र आ रहा है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा नज़दीक और चलते हैं और मज़ा लेते हैं इस व्यू पॉइंट का। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों ये है बर्दिया लेक व्यू रिजॉर्ट और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत व्यू यहाँ से देखने को मिलता है। तो भीड़ आप लोग देख सकते हो यार दोस्तों, लगभग आज गंगरेल से 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया और मेरे को लगता है दोस्तों उतने ही कि लगभग यहाँ पब्लिक आ चुके होंगे। रोड इतना ज़्यादा जाम था, मैं काफ़ी मुश्किल से यहाँ पहुँच पाया हूँ। तो देख सकते हैं यार जब आप गंगरेल आएंगे घूमने के लिए तो आप लोगों को डैम को नज़ारे के साथ साथ काफ़ी सारे और भी ज़्यादा नज़ारे देखने को मिलेंगे जो कि दोस्तों मिनी गोवा के। तो देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पे पब्लिक है, सब लोग इन्जॉयमेंट के मूड में हैं, सब बॉक्स वगैरह लेके आए हुए हैं, यहाँ पे पिकनिक के मूड से आए हैं और बारिश अभी रुक चुकी है। तो आप लोग व्यू देख सकते हो दोस्तों मिनी गोवा से गंगरेल डैम का। तो देखा यार आप लोगों ने कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है आज गंगरेल डैम, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आज 1.5 लाख क्यूसेक पानी भी छोड़ा गया है और लगभग हज़ारों की संख्या में यहाँ पे पब्लिक पहुँचे देखने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है यार, आप लोग देख सकते हो। तो मैंने इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को 3 से 4 जो मुख्य व्यू पॉइंट्स है गंगरेल डैम के वो दिखाने का कोशिश किया। भीड़ काफ़ी ज़्यादा था तो आधा डैम तो टोटल बारिश ही हो रहा था, इस वजह से मैं ढंग से जो है वो शूट नहीं कर पाया, लेकिन जैसा भी बना दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में दिखलाने का कोशिश किया है। तो बस यार दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।